दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ यूजर। अब तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रीसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, चार टॉपिक्स कवर किए हैं। ये पांचवा टॉपिक है यहाँ पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर साथ फिर 7 कैसे, लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो बन चुकी है, आजकल में अपलोड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। ये छोटा सा टॉपिक है, हाफ एन आवर की मुश्किल से वीडियो बनने वाली है, तो इसलिए इसको हमने जल्दी पहले बना दिया और पहले अपलोड कर रहे हैं। बाकी की वीडियोस पे काम चल रहा है, धीरे धीरे आपको आने वाले हफ्ते में सारी वीडियोस लाइव होते हुए नजर आएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके आप वेट, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली वो टॉपिक है, बेसिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, ये वो चैप्टर है। अगर आपको ये अच्छे से आता है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बेसिक सा कॉमन सेंस है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखना है। अगर आपका कॉमन सेंस और आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है थोड़ा सा फास्ट है, आप चीज़ों को एनालाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पर आपके 10 मार्क्स फिक्स हैं, कोई नहीं घटा सकता आपके। दो चीज़ें हैं जहाँ पे आपके 10 मार्क्स 100% फिक्स हो जाते हैं, एक है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो दोनों के 5-5 सवाल आने 100% फिक्स हैं और दोनों पे आपके 10-10 मार्क्स 20 मार्क आपके 100% श्योर हो जाते हैं इन दो टॉपिक्स पे, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। दिस बिकम्स आवर स्ट्रेंथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो डेटा सोर्सेज एंड डेटा एक्विजिशन, ऐसे दो टॉपिक्स निकल करके आते हैं। हम पहले बात करते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा इज़ नथिंग बट हमारे लिए डेटा का मतलब बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में जब हम डेटा की बात करते हैं तो या तो कुछ नंबर्स होंगे, या तो कुछ इमेजेस होंगे, या वर्ड्स होंगे, या फिगर्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, कुछ भी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में है। लाइक जैसे मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया, तो उस टेबल कुछ ना कुछ दिखा रहा है, उस टेबल से आप क्या समझते हो, आपको क्या आइडिया लगता है, कितना आपकी समझ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड एस, राइट। तो उसके लिए कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें लगती है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा आता कहाँ से है। तो डेटा के दो प्राइमरीली सोर्सेज हैं, जिनको हम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, नाम भी उनके ऐसे ही हैं। तो डेटा दो ही जगह से आता है, या तो प्राइमरी सोर्स से आएगा या तो सेकेंडरी सोर्स से आएगा। फर्क क्या है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स अब उनको डेटा एक्वायर करने के तरीके पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ तरीके हैं एक्वायर करने के, जैसे आप सर्वे करके कर सकते हो, आप क्वेश्चन ईयर बना सकते हो, लोगों को भेज सकते हो कि भाई क्वेश्चन ईयर फिल कर दो, आप इंटरव्यू ले सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। ये जो शुरू के चार मेथड्स हैं ये जो है प्राइमरी सोर्स हैं डेटा एक्विजिशन के, बाद के जो दिए हुए हैं वो सेकेंडरी हैं, जैसे आपके बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, आपके जर्नल्स में इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, ई बुक्स, बहुत कुछ आ सकता है। फिर उसमें आपके वेबसाइट्स आ जाएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, ये सारी चीज़ें जो डेटा एक्विजिशन के तरीके हैं ये सेकेंडरी सोर्स हैं। अब फर्क क्या है दोनों में, प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जहाँ से आप प्राइमरली, जैसे आपने यहाँ पे सर्वे किया तो सर्वे आप खुद करोगे जाके, तो जो भी डेटा आप लेकर के आए हो वो डेटा आपने खुद ने कलेक्ट किया हुआ है, किसी और ने कलेक्ट नहीं किया है। तो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी, कि आप प्राइमरीली वहाँ पे प्रमुख रूप से व्हाट वी से प्रमुख रूप से आप वहाँ पे प्रेजेंट थे उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, उस पर्टिकुलर जगह पे, डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में आप प्राइमरीली इन्वॉल्व थे, आप ही डायरेक्ट सोर्स थे, ठीक है। क्वेश्चन ईयर में भी सेम चीज़ होगा, इंटरव्यू भी आप खुद लेने वाले हो, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं आपने ऑब्जर्व किया, आप खुद ही आपने ऑब्जर्व किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपका। बुक्स में आपको नहीं पता किसी ने बुक्स लिखा, कहाँ से डेटा आया, कहाँ से नहीं आया, आपको नहीं पता, वो बुक में जो चीज़ें पब्लिश हैं आप उस पर रिलाई कर रहे हो, मैगजीन, जर्नल्स, PDF, वेबसाइट, ब्लॉग्स, आपने कुछ नहीं किया, आप एक पब्लिश डेटा है, एक पब्लिश इन्फॉर्मेशन है, आप बस उसको देख रहे हो और उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन ले रहे हो। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी, कि आपका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो काम किसी और ने किया, आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हो, राइट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन करना क्यों है, वो कुछ तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के, क्यों करना है। तो उसके लिए एक तरीका है हमारे पास कॉन्टेंट बेस्ड, कि भाई अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट है, आपके पास कुछ टेक्स्ट है, आपके पास टेबल्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ डेटा, कुछ कंटेंट ऐसा है कि जैसे कुछ में लाइक डायरेक्ट डिस्क्रीट डेटा है, कुछ में जो है आपके क्लास इंटरवल्स है, तो बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट हो सकता है, तो उसको आप उसी कैटेगरी से कैटेगराइज कर दो, तो वो एक तरीका होगा। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मतलब किस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए, किस पर्पस के लिए चीज़ें की गई है, उस हिसाब से आप कर सकते हो कि भाई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बेसिस पे आप कर रहे हो, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट दे करके भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। और तीसरा तरीका है यूज़र बेस्ड, तो किसके लिए आप कर रहे हो, कौन सा यूज़र क्या चाहता है। जब एक डेटा के बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, किसी को सिंपल डेटा चाहिए, किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या चाहिए उस हिसाब से भी डेटा का क्लासिफिकेशन हो सकता है, बेस्ड ऑन द यूज़र दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन के तरीके हो गए। उसके बाद एक और चीज़ निकल करके आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब इसमें क्या फ़र्क है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में, अभी
क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, वो सारी चीज़ें जिनको आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे क्वांटिटेटिव डेटा आर एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स और क्वांटिफाइड. एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा आर सोर्सेज ऑन अचीवमेंट टेस्ट, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, कितने कितना स्कोर आया आपको, तो आप नंबर में लिख सकते हो. दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा. बट अब उस नंबर को लाने के लिए आपने कितनी तैयारी की, कितनी आपने मेहनत की. आप बोल रहे हो नहीं हमने बहुत मेहनत किया, बहुत मे बी शायद उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते. आपका क्या इंटेलिजेंस लेवल है, यू कैन नॉट, मे बी यू कैन नॉट क्वांटिफाई दैट. आप बोलोगे नहीं सर आई क्यू, ठीक है आई क्यू टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सर्टन थिंग्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. उस चीज़ को हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं. तो क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर. डेटा दैट रिप्रेजेंट नॉमिनल स्केल सच एज जेंडर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा यूजुअली कंसिडर टू बी क्वालिटेटिव डेटा, राइट. तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो जहाँ पे चीज़ें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, अब बहुत सारे तरीके हैं कि आप क्वालिटेटिव डेटा को भी क्वांटिफाई कर सकते हो, क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव बना सकते हो. तो वाइस वर्सा चलते रहता है, बहुत से तरीके हैं. बट हम एक, अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो नंबर्स में प्रेजेंट की जाती हैं तो क्वांटिटेटिव, कुछ चीज़ें हैं जो नंबर्स में प्रेजेंट नहीं की जाती दैट इज़ क्वालिटेटिव, राइट. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. इट डजंट मीन कि दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्ट नहीं की जा सकती एंड वाइस वर्सा, ठीक है. दैट इज़ द डिफरेंस. नाउ बेस्ड ऑन दिस थिंग, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई. अब डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है, हमारे पास जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ डेटा हमें प्रेजेंट किया जाता है, उसको हमें इंटरप्रेट करना है. तो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, एक तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास निकल करके आती है कि हमें पहले ग्राफ को समझना पड़ेगा कि ग्राफ में चीज़ें कैसे आती है. कोई भी ग्राफ में कुछ भी आए, इसी तरीके के चार जो है एक्स और वाई दो एक्सेस होते हैं जनरली. तो एक्स और वाई एक्सेस लाइक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सेस. और ये इनफाइनाइट लाइन्स हैं, कहीं तक भी जाती हैं, इनका कोई एंड नहीं है. बट ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन बनता है. तो चार लाइक 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम जीरो बोलते हैं. जीरो से आप देखोगे चार साइड बन जाते हैं हमारे. तो जो सबसे पहला वाला साइड है उसको हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जहाँ पे दोनों अभी एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जीरो के ऊपर वाई एक्सेस पॉजिटिव है और जीरो के नीचे वाई एक्सेस नेगेटिव है. जबकि एक्स एक्सिस जीरो के राइट साइड में जो है पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है. तो आप समझो कि जहाँ पर एक्स एक्सिस का जो पहला कॉर्नर है, लाइक पहला जो हमारा क्वाड्रेंट बनता है, पहले क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं. दूसरे क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव है बट एक्स नेगेटिव है. तीसरे में तीनों जो है दोनों जो है नेगेटिव हो जाते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव. और चौथे में आप आओगे तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है. तो ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है. अब ये समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, इग्नोर करने जैसी चीज़ है. बट अगेन ये इसका जो बेस जो है आपको समझ गया तो बाकी चीज़ें इजी हो जाएंगी. नहीं समझा तो मे बी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली डील करना पड़ेगा, जो कि हालांकि करना ही पड़ेगा. बट एट दी एंड अगर ये समझ गया है तो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो डील करना है इंडिपेंडेंटली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपके लिए समझना आसान हो जाए, राइट. हाँ, अब वो तो नहीं आता बट ये चीज़ आती है. सबसे पहला जो चीज़ आता है दैट इज कॉल्ड एज बार चार्ट. बार चार्ट्स कुछ ऐसे नजर आते हैं. आप इस पे देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे नजर आएगी वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन साइड में नजर आ रही है वो वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस में कुछ चीज़ें होती हैं, वाई एक्सिस में कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हमें इंटरप्रेट करना होता है. और बीच में आपको बहुत सारे बार्स नजर आएंगे. तो ये है हमारे बार चार्ट, हम जजमेंट लेते हैं. यहाँ पे सिंपल बार चार्ट है, डबल बार चार्ट भी होते हैं, ट्रिपल बार चार्ट भी होते हैं. तो अलग अलग तरीके के बार चार्ट्स होते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ डेटा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, जो विजुअली देखने में अच्छा लगता है और समझने वालों को समझ भी आ जाता है, कंपैरिजन भी बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पहला ग्राफ जो है, पहला जो बार है वो ऊंचा है, फिर दूसरा बार नीचा है. तो हमें इतना समझ आता है कि पहले बार में ज़्यादा नंबर से दूसरे बार में कम है. फिर तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाँ तीसरा और चौथा बार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. तो जो भी पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पहले में प्रॉफिट ज़्यादा था, फिर प्रॉफिट कम हुआ और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लग गया. तो ये एक इंटरप्रिटेशन हमें ईजिली समझ आती है. अब कितने से बढ़ा कैसे बढ़ा, तो उसके लिए हमें नंबर चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने प्लॉट नहीं किए हैं, यहाँ पे जस्ट एक रफ आइडिया दिया हुआ है बार चार्ट का, ठीक है. तो ये हो गया हमारे बार चार्ट्स. उसके बाद फिर बार चार्ट्स का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम्स. अब हिस्टोग्राम्स में क्या हो रहा है, आप बार चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि बार चार्ट्स में आपके सब सिंपल से बार हैं. इट्स लाइक दोज आर द पिलर्स. तो पिलर्स या सिंपल से बार या सिंपल से खंभे जो है वो खड़े हुए हैं. हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है कि उन्हीं खंभों को, उन्हीं बार्स को, उन्हीं पिलर्स को जो है आपस में जोड़ दिया गया है. तो वो कंटिन्यूटी नजर आ रही है. तो अब ये पर कब आता है कि जैसे कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चार साल का डेटा है. तो ये चार साल का हम एक कंटिन्यूसली दिखा सकते हैं. बट यहाँ पे कैसा होता है, जैसे चार साल का डेटा तो है बट वो डेटा कंटिन्यूस है, जैसे पहले से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से चौथे साल, या पहले साल से लेकर के 10 सालों का, फिर 10 साल से लेकर 20 साल तक क्या नंबर है. तो वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वहाँ पे आप बार चार्ट्स में नहीं कर सकते. उसके लिए आपको चाहिए हिस्टोग्राम. बार चार्ट्स में आप डिस्क्रीट नंबर्स दिखा सकते हो कि इस साल में एब्सोल्यूट कितना,
बट अगर आप कंटिन्यूअस डेटा है आपके पास तो वहाँ पे आपको हिस्टोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हिस्टोग्राम्स कुछ ऐसे नज़र आते हैं। अब इसके ऊपर हम पॉइंट्स भी प्लॉट कर देते हैं और उनको कनेक्ट भी कर देते हैं, तो हमें एक ग्रोथ या जो भी है हमें एक नज़र आ जाता है, कर्व बनता हुआ नज़र आता है। तो कर्व भी कई बार सिर्फ कर्व्स भी एग्जाम में दिए होते हैं, हिस्टोग्राम्स नहीं दिए होते, बट कर्व्स का बेसिस अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम से निकल करके आते हैं। वो भी एक सिंपल सा तरीका है, इस पर भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है डेटा प्रेजेंट करने का। एक और जो पॉपुलर तरीका है उसको बोलते हैं हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। पाई चार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक पाई की तरह नज़र आता है। एक सर्कल जो है, सर्कल के अलग अलग स्लाइसेस कर दिए गए हैं, तो अलग अलग स्लाइसेस में अलग अलग डेटा नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, यहाँ पे आप नज़र डालोगे 1, 2, 3, 4, 5 स्लाइस कर दिए गए हैं, 5 स्लाइसेस में हर एक में अलग अलग नंबर आएगा। तो जो सर्कल का जो ओवरऑल पूरा साइज होता है वो 360 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि सर्कल का जो टोटल एंगल बनता है या सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो 360 डिग्रीज होता है। तो 360 डिग्रीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपके पास नंबर टोटल 100 लोग हैं, 100 लोगों में से आपने 5 लोगों में डिवाइड कर दिया 20 20 20, तो 100 का 20 20 20 मतलब 20 20%। तो 360 का भी आपको 20 20% डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। तो 360 डिग्री का 20 20% अगर हम निकालेंगे तो 72 डिग्री के सारे एंगल्स बनते हुए नजर आएंगे। तो 72 डिग्रीज के सारे पाइज बनते हुए नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ पाई चार्ट बनते कैसे हैं या नज़र कैसे आते हैं, राइट। ये भी एक तरीका है डेटा रिप्रेजेंट करने का। देन टेबल चार्ट। टेबल चार्ट तो हमें पता है एक टेबल है जिसमें टेबल बना दी हमने, कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स बना दिए हैं। बट इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि टेबल में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ हेडिंग और कुछ ना कुछ वर्डिंग्स हैं। मोस्टली आपको सब पता है, बट फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे सबसे पहले टेबल का होता है टाइटल, हर टेबल का एक टाइटल होगा कि भाई ये टेबल बताता क्या है, तो वो होता ही होता है। फिर कैप्शन, जो टाइटल के नीचे हम एक छोटा सा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैप्शन लिखते हैं कि हाँ भाई टाइटल तो हो गया, उसके बाद कैप्शन। फिर बॉक्स हेड, बॉक्स हेड इज नथिंग बट कॉलम का हेडिंग होता है। जैसे टेबल है तो टेबल में रोज एंड कॉलम्स होंगे, तो हर कॉलम का भी कुछ ना कुछ हेडिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज बॉक्स हेड। वैसे ही अगर कॉलम का हेडिंग है तो वैसे ही रो का भी हेडिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टब हेड। रो का हेडिंग को हम बोलते हैं स्टब हेड। अभी जिन जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया उनको ये चीज़ें बहुत इजीली पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टेबल का टाइटल, कैप्शन, फिर हम रो का व्हाट वी से कॉलम का हेड, एंड देन फिर रो का हेड। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल्स होते हैं, रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं। वर्टिकल्स वाले को हम बॉक्स हेड बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को हम स्टब हेड बोलते हैं। फिर बॉडी ऑफ द टेबल की भाई एक्चुअल बॉडी क्या है, जहाँ पे बीच में सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद कुछ अगर कहीं पर कोई नोट लिखना है तो दैट इज़ योर प्रेडेटरी नोट या फुट हेड नोट कहीं पर नज़र आएगा। फिर एंड में आता है आपका फुट नोट, कि टेबल खत्म हो गया, आपको कुछ चीज़ें लास्ट में लिखनी है तो फुट नोट, और उसके बाद हम लिखते हैं सोर्स नोट। वो भी एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, सोर्स नोट लिखा हुआ है बट नॉट सोर्स, सोर्स नोट। तो ये टेबल के कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं। टेबल पे भी सवाल आता है, टेबल पे आया तो बहुत ईजी हमारे लिए समझना, बट हाँ टेबल पे आया तो नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। अगर विजुअल डेटा पे आता है इंटरप्रिटेशन तो वो आसान होते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कम होते हैं। बट अगर टेबल पे आता है तो टेबल पे कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं, तो आपको तैयारी उसे रखनी पड़ेगी। अब आपके किस्मत पर डिपेंड करता है कैसी क्या चीज़ें आती हैं, राइट। एक और चीज़ हमारी रह गई थी, दैट वाज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है कि जैसे ही अपने डेटा को हम लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिंगल लाइन हो सकती है, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, कैसे भी कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन डेटा क्या है और कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर और वॉट यू आर लुकिंग फॉर, तो वैसे ही हमारे पास ऑप्शन, राइट। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बचता है हमारा डेटा मैपिंग का। डेटा मैपिंग क्या होता है, मतलब आप किसी ना किसी डेटा को किसी न किसी तरीके से टारगेट दे करके कुछ ना कुछ विजुअली अच्छा बनाने की, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। दैट इज द सिंपल, इन सिंपल वर्ड दैट इज कॉल्ड एज डेटा मैपिंग। तो डेटा मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग डेटा फील्ड्स फ्रॉम अ सोर्स फाइल टू देयर रिलेटेड टारगेट फाइल्स। द एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्ड डेटा कैन मेक सम ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल, समहाउ डेटा इज ईजियर टू यूज व्हेन इट कैन बी विजुअल एज वेल। वो एक चीज़ हमारे लिए विजुअलाइज्ड एज वेल आसान हो जाती है, कि विजुअलाइज करने से पहले मैपिंग कर, राइट। और दैट्स ऑल डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये थियरी बैकग्राउंड बहुत हो गया, हमें एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 क्वेश्चन हमने कोशिश किया यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करने की। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। इट डिपिक्ट्स प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स। ठीक है, तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा सा कट हो गया है। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, हम सबको पता है। तो अब अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 के ऐसे 5 ईयर्स दिए गए हैं। 5 ईयर्स में प्रॉफिट पे आप नज़र डालोगे तो पहले लाइक लाइन चार्ट पे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पहले हम
अब यहाँ पे नंबर्स नहीं देखेंगे क्या है, 25 लाख है, करोड़ है, क्या है ये भी शायद मेरे, हाँ प्रॉफिट अर्न इन लैक्स है। तो पहले साल में 25 लाख्स है, देन 35 लाख्स है, देन दूसरे उसमें आप देखोगे कि 20 और 25 के मिडल में है, तो मे बी 22.5 के आसपास है, लाइक 2007 में, 2008 में अगेन 30 लाख्स, एंड 2009 में मे बी 37.5 के आसपास है। ठीक है, तो ये क्लियर कट हमें, इतना हमने डेटा हमको नज़र आया और हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया। अभी नाउ लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। पहला सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ओवर द ईयर। तो अभी इसको कैसे करेंगे हम भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। तो सिंपल सा आइडिया है कि आप एवरेज कर लो, 25 लाख्स प्लस 35 लाख्स प्लस 22.5 प्लस 37.5। सिंपल सा है, देखो हमने वही चीज़ किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 25 प्लस 35 प्लस 22.5 प्लस 30 प्लस 37.5 और डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 30 लाख का एवरेज निकल करके आता है। हर साल का प्रॉफिट हमने ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। सिंपल, पहला सवाल आसान था, बहुत ही आसान था, आई डोंट थिंक इससे आसान कुछ हो सकता है। कुछ नंबर दिए हुए, उनका बस आपको एवरेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई दोनों साथ में चलने वाला है। ठीक है, तो एवरेज अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली चीज़ हो सकती है, बट एवरेज का मतलब कॉमन सेंस है। ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, कि 5 साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज निकाल दो ना यार। तो आप सबका टोटल करके डिवाइड बाय कितने साल है, सिंपल 30 लाख्स। क्वेश्चन नंबर टू, आप सोल्यूशन मत देखिए पहले, क्वेश्चन दी, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2009 वाज 28 लाख्स, देन व्हाट वाज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। अब ये कैसे पता चलेगा, हम देखो सिंपल सा, हम चाहेंगे 2009 में 28 लाख का एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू कितने का है। आप नज़र डालो, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2009 का, 2009 का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 37.5, और आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू पूछा है, तो आपके पास फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। दो चीज़ें हमें पता चल गई, कौन कौन सी दो चीज़ें, हमें प्रॉफिट पता है, हमें एक्सपेंडिचर पता है, तो रेवेन्यू अपने आप मिल जाएगा। तो आप प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट योर रेवेन्यू, सिंपल राइट। क्वेश्चन नंबर टू पे हम थे, ठीक है, सिंपल सा है, 2009 प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू, तो प्रॉफिट आपका 37.5 एंड एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 28, दोनों को हमने ऐड किया तो वी गेट 65.5। ये भी बहुत आसान था। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2005 टू द प्रॉफिट अर्न इन 2009। 2005 और 2009 के प्रॉफिट्स का रेशियो निकालना है, तो 2005 में जो प्रॉफिट था 25 लाख था, 2009 में जो प्रॉफिट है वो 37.5 है, तो 25:37.5। ज़्यादा और कुछ करना है क्या हमें, आप नज़र डालिए चीज़ों पर, 25:37.5। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो लाइक सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप, 5 से डिवाइड करो, आपको नंबर्स मिलेंगे, फिर डिवाइड करते जाओ, डिवीजन आप कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि आंसर हमको 2:3 के रेशियो में दिए, तो आप दिमाग लगाओ, 1:3 पॉसिबल है क्या, नहीं, 1:3 तो नहीं है, ना ही 1:2 है, क्योंकि 1:3 मतलब कितना होगा, 25 को अगर हम 1 मान के चल रहे हैं तो आइडिया इज़ कि 25 के हिसाब से आपका जो 3 होगा वो 75 हो जाएगा, तो नहीं, वो तो नहीं है। और अगर 2:1 देखेंगे तो 25 के हिसाब से 2 बिकम्स 50। तो सिंपल सा आइडिया है कि 1:3 और 1:2 तो नहीं है, तो बचते हमारे दो ही ऑप्शन है, या तो 2:3 होगा या 3:5 होगा। तो आप दिमाग लगाओ कि अब पहले छोटा कौन सा है, 2:3 में जाओगे, अगर 25 को दो भागों में हम डिवाइड कर रहे थे तो 25 का हाफ हो जाता है 12.5, और 3 उसको मतलब उसको ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 12.5 ऑटोमेटिकली यू गेट योर 37.5। तो लाइक ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट मेरा आइडिया वॉज टू सिंप्लीफाई फॉर दोज जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आती है, बट जिनको कैलकुलेशन फास्ट है दे कैन डू इट लाइक वेरी रैपिडली, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल, राइट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन 2008 इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो 2008 में कितना प्रॉफिट बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। 2008 आप नज़र डालो, 2008 में कितना बढ़ा है, 2007 में कितना था, 2007 में प्रॉफिट वॉज 22.5 एंड 2008 में प्रॉफिट इज 30। तो आप सिंपल सा परसेंटेज निकालो, 22.5 से 30 हो गया मतलब कितना बढ़ गया है, 7.5 से बढ़ गया, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गेट योर सिंपल आंसर, इजंट इट। हमने 22.5 नहीं, यहाँ पे 23 के हिसाब से लिया, बट ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ द डिफरेंस। आप 22.5 रखोगे तो आंसर आपका 30% ही आने वाला है, सिंपल सिंपल, यहाँ पे 30.43 आ रहा है, तो थोड़ा सा 1-2% लाइक 1-2 डेसिमल का ऊपर नीचे होता है, बट यू गॉट द आइडिया, आपको कैलकुलेशन का स्टेप नज़र आ रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। नाउ मूविंग ऑन, इफ़ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2007 वॉज 45 लाख्स, एंड वॉट वॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। अभी सेम चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंडिचर दिया था और रेवेन्यू पूछा था, तो आप उल्टा कर दो,
सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। तो 45 लाख माइनस प्रॉफिट आप माइनस कर दो, 2007 का प्रॉफिट कितना था 22.5, तो माइनस करो 45 माइनस 22.5, ऑटोमेटिकली यू गेट योर 22.5 व्हाट वी से एक्सपेंडिचर। सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट इनफ, सिंपल था, आसान था चीज़ें। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, आपको नहीं समझा तो आप पॉज कीजिए, वापस से जाइए देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर करके, लाइक जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ आए, बट गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव जस्टिस टू योर सेल्फ, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाए। तो डोंट मिस आउट एनीथिंग, जस्ट गिव वॉट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर यू। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। आप समझो आप क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दो इंस्टीट्यूशंस में, दो कोर प्रोग्राम्स में एडमिशंस की बातें दी हुई हैं। तो फर्स्ट ईयर में अभी आप इस चीज़ को समझो कि परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। तो टोटल एडमिशंस जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हुए हैं वो 20,000, एंड टोटल एडमिशंस जो यूजी में हुए हैं, ग्रेजुएशन में हुए हैं, वो है 30,000। तो 30,000 के से 18% अगर हम यूजी की बात करें या ग्रेजुएट की बात करें, तो 30,000 में से 18% ए में हुए हैं, 20% बी में, 20% सी में, 12% डी में, 16% ई में, और 14% एफ में। वही अगर पीजी की बात करें तो 20,000 में से 20% ए में, 18% बी में, 22% सी में, 10% डी में, 14% ई में, और 16% एफ में। मैं ई परसेंट 14 में बोलने वाला हूँ। दिस इज व्हाट इज द डेटा दैट सेज। अब इस डेटा के बेसिस में हमें क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। तो पहला सवाल आप ध्यान दो, 5 सवाल हैं, सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। व्हाट आर द टोटल एडमिशन्स इन कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप हिसाब लगाओ कि कॉलेज बी में कितने एडमिशन्स हुए हैं। 18% हुए हैं 20,000 के, तो 20,000 के 18% होते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% आप कीजिए, 18 × 36, तो 20,000 कहीं ना कहीं 3600 पोस्ट ग्रेजुएट में, एंड 30,000 के 20% मतलब 6,000, तो 6,000 प्लस 3600 9,600 जो है मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका। तो 9,600 हमारे पास ऑप्शन है क्या, येस ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप कॉलेज बी में दोनों के एडमिशन्स मिल गए। अभी ये कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा। अभी मेरे लिए जैसे 18% निकालना है तो 18% मल्टीप्लाइड बाई 20,000 बहुत आसान है, 18 × 36, और वही 20% 30 का निकालना है तो 22 × 3 6,000 आ जा रहा है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, शायद अगर आपको समझ नहीं आया तो पुट इट इन द कैलकुलेटर, यू विल गेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में डिफरेंस क्या है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का, तो वापस से सेम चीज़ हमें करना है। पिछली बार हमने दोनों को ऐड कर दिया था, इस बार माइनस करना है। तो ए का 20 आप निकालिए, कॉलेज ए में पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशंस कितने हुए हैं 20,000 के 20%, तो 20% मल्टीप्लाइड बाई 20,000 विच विल बी 4,000, एंड ग्रेजुएट के लिए 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 18 × 3 = 5,400, तो कितने हो गए 4,000 और 5,400। तो डिफरेंस कितना है, ग्रेजुएशन में हुए हैं 5,400, पोस्ट ग्रेजुएशन में हुए हैं 4,000, मतलब 5,400 माइनस 4,000 यू विल गेट 1,400 एज द डिफरेंस। 14 है क्या ऑप्शन, ये सी ऑप्शन नंबर ए, अगेन 1,400। सिंपल। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए आप, बाय व्हाट परसेंट आर एडमिशंस इन ग्रेजुएट कोर्सेज हायर देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन केस ऑफ कॉलेज एफ। तो कॉलेज एफ का हमें सेम चीज़ हमें एफ का करना है, पहले दो में हमने जो चीज़ें किया है ए और बी के लिए, अभी एफ के लिए करना है। इस बार बस परसेंटेज में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है, अभी तक हम एब्सोल्यूट डिफरेंस बता रहे थे कि भाई इतने नंबर्स हैं, अभी परसेंटेज में बताना है। तो एफ के लिए आप देखिए, कॉलेज नंबर है 14%, 30,000 का 14% निकालिए आप ग्रेजुएशन के लिए, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 14% यू विल गेट 4,200, एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आओगे तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 16%, तो विच शुड बी 3,200, सो 4,200 एंड 3,200, सो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब 1,000 डिवाइडेड बाय 3,200 निकालिए परसेंटेज, आपको आएगा कि 3,200 से 4,200 हो गए, मतलब 1,000 का डिफरेंस है। तो आप परसेंट वाइज निकालिए कि कितने का एडमिशन जो है उसके हायर है। तो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में आपके 4,200 हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 3,200 है। तो क्वेश्चन क्या था, आर एडमिशन, हाँ सेम क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज से ज़्यादा है। तो 1,000
डिवाइडेड बाय 3200 यू विल गेट योर आंसर. अभी इस चीज़ को आई विल पुट इट ऑन कैलकुलेटर सो सो एज टू गेट माई आंसर क्विकली. तो आप भी सेम चीज़ कैलकुलेटर पर डालिए. अभी ये चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय 3200, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 31.25%. अगेन ऑप्शन नंबर ए इज देयर. क्वेश्चन नंबर फोर, मूविंग ऑन टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड द हाईएस्ट एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलेजेस. अब इसके लिए आपको सारे कॉलेजेस का निकालना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, राइट. तभी आपको आइडिया लगेगा कि प्रोसेस आपको समझ आ गया कैसे करना है. हर एक का आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा. इसके लिए यू हैव टू सेट विद द पेन एंड पेपर सो एज टू फाइंड आउट कि किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है एंड यू विल गेट योर आंसर. सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. मेरा काम है आपको प्रोसेस बताना, स्टेप्स बताना, करना कैसे आप करोगे तो आपके लिए उतनी ईजिली होंगी. तो यू डू इट एंड इफ यू आर डूइंग इट डू पुट इट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि हमारे लिए भी और बाकियों के लिए भी ईजी हो जाए, राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव, By what percent are postgraduate admissions lower than graduate admissions in case of college D? अभी आपको समझ आ गया जो चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया था कॉलेज एफ के लिए, सेम चीज़ हमें कॉलेज डी के लिए करना है. बट इस बार उल्टा है. पिछली बार था कि ग्रेजुएशन लाइक ग्रेजुएशन में कितने परसेंट ज़्यादा है पोस्ट ग्रेजुएशन से, इस बार पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंट कम है ग्रेजुएशन. तो सेम चीज़, सेम तरीका, सेम स्टेप्स. तो अगेन बहुत ईजी, बहुत आसान सा सवाल था. आई होप दिस इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर यू टू grasp, right? That's all. Moving on to one more question, the last question for the day. अब ये भी उतना ही आसान है जितने हमारे बाकी के हैं. बार डायग्राम, बार चार्ट पे क्वेश्चन है. तो द क्वेश्चन गोज लाइक, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस. इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज. अभी तक हम कॉलेज में बात कर रहे थे, अभी हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं इन ए बी सी डी एंड ई इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो सिमिलर चीज़ें हैं. क्या क्या कोर्सेज हमारे, एक है हमारा अब देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो आपको पहला बार दिख रहा है वो पेंटिंग का है, दूसरा स्टिचिंग का है और तीसरा डांसिंग का है. तो तीन बार्स नज़र आ रहे हैं. इंस्टीट्यूशन हैं ए बी सी डी एंड ई. और डेटा आपको नज़र आएगा यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे बढ़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. पहला सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन पेंटिंग इन इंस्टीट्यूशन ए एंड सी टुगेदर टू दोज एनरोल्ड इन स्टिचिंग इन इंस्टीट्यूशन डी एंड ई. मतलब ए और सी मिला करके हम बात कर रहे हैं एक कोर्स की, ठीक है. पेंटिंग वर्सेज स्टिचिंग, पेंटिंग इन ए एंड सी एंड स्टिचिंग इन डी एंड ई. आप ध्यान दीजिए, ए एंड सी का पेंटिंग मतलब फर्स्ट ग्राफ. तो फर्स्ट ए का फर्स्ट ग्राफ जा रहा है 250, गिव्स अस द नंबर ऑफ 250. सी का फर्स्ट ग्राफ आपको नंबर देता है 150. तो 250 प्लस 150 विच इज 400. एंड स्टिचिंग मतलब सेकेंड ग्राफ किसका, सी एंड व्हाट वाज द आंसर, ए एंड सी हो गया, डी एंड ई. तो डी एंड ई का सेकेंड ग्राफ देखिए आप, डी का सेकेंड ग्राफ 250 एंड ई का सेकेंड ग्राफ 325. तो 325 और 350 आप नॉट 350 वेर इट इज 250 एंड 325 आप ऐड कीजिए. 325 प्लस 250, तो 3 प्लस 2 500, 575. तो द आंसर इज 400 रेस टू 575. आप उस रेशियो में निकालिए, 400 एंड 575 में चीज़ें कैसे कितना सिंपल हो सकती हैं. तो 400 एंड 575 का रेशियो आप निकालोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, राइट. विच आंसर शुड बी, आई फील लाइक इट शुड बी 8:12. 8:12 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो इट हैपन्स टू बी मे बी 2:3. तो 2:3 हमारे 400 एंड 575 हो रहे हैं क्या? 575 का अगर मैं हाफ करता हूँ क्या वो 400 के आसपास आएगा ना? तो दिस इज नॉट द आंसर, बट यू नीड टू सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर टू, द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्टिचिंग इन इंस्टीट्यूट बी फॉर्म्स अप्रॉक्सिमेटली वॉट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्टिचिंग इन ऑल अदर इंस्टीट्यूट पुट टुगेदर. तो सवाल ये है कि स्टिचिंग प्रोग्राम में बी इंस्टीट्यूट में जो गर्ल्स हैं वो कितने परसेंट है टोटल स्टिचिंग स्टूडेंट. तो आपको क्या करना है, बी में स्टिचिंग का नंबर इज स्टिचिंग इज सेकेंड ग्राफ. तो बी में जो आपका स्टिचिंग का नंबर है दैट इज 250. बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे है पहले में है 325, देन 250, देन 50, देन 250 अगेन, एंड देन फॉर द लास्ट वन इट इज 325. तो इन सबको आपने टोटल करना है. तो आपको क्या करना है, लाइक परसेंट निकालते समय न्यूमरेटर में तो आपका बी का नंबर आएगा 250, डिनोमिनेटर में आपका आएगा
325 plus 250 plus 50 plus 250 अगेन एंड प्लस 325, तो 325 दो बार आ रहा है, तो 650 हो जाएगा एंड 650 एंड 50 हो गया 700 एंड 250 प्लस 250 हो गया 500, तो 1200, तो टोटल आपका जो वैल्यूएशन आएगा 250 बाय 1200, उसका परसेंटेज निकालिए आप, 250 बाय 1200 यू विल गेट योर आंसर. सो इट्स लाइक 250 में से इफ आई जस्ट रिमूव, तो इट इज 25 बाय 120, 25 बाय 120 को इफ आई कैन सिंप्लीफाई फर्दर, तो 5 बाय 5 2 12 एंड 24, तो 5 बाय 24 आएगा, 5 बाय 24 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यू विल गेट योर आंसर. आप लाइक इट इज़ हार्डली 25%, तो आपको कहीं ना कहीं 23 या 25% ऐसा निकलेगा. 5 बाय 24 आप कैलकुलेट करिए, आइदर यू विल गेट 23 या 25 नंबर निकल कर, राइट? द कैलकुलेशन नंबर्स. मूविंग ऑन, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन पेंटिंग एंड स्टिचिंग फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स पुट टुगेदर. पेंटिंग एंड स्टिचिंग का रेशियो निकालना है, सो यू नो वॉट यू आर सपोज टू डू. पेंटिंग मीन्स फर्स्ट चार्ट एंड स्टिचिंग मीन्स सेकेंड चार्ट. तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट प्लेयर का फर्स्ट बार का टोटल निकालना है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस. तो इट्स लाइक ए मेटर्स 250, बी मेटर्स 225, सी मेटर्स अगेन 150, डी मेटर्स 175 एंड ई मेटर्स 300. तीनों को आपने ऐड करना है. सेम गोज फॉर स्टिचिंग, आपको सारी चीज़ें वापस से ऐड करना है. 325 प्लस 250 प्लस लाइक उसका आंसर 1200 आया था आई थिंक. तो जो भी आएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर उसका रेशियो आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. 3. फोर्थ इज द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग इन इंस्टीट्यूट ए फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ऑल द वोकेशन टुगेदर इन दैट इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसमें क्या स्टिचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स पुट टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बात किया था स्टिचिंग वर्सेज स्टिचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि डांसिंग रिस्पेक्ट टू अदर कोर्सेस इन द सेम इंस्टीट्यूट. तो अब यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट ए में आप देखिए, इंस्टीट्यूट ए में डांसिंग के लिए देर आर 150 गर्ल्स, जबकि टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स हैं 150 डांसिंग की एंड 325 स्टिचिंग की एंड 250 फॉर पेंटिंग. तो इट इज़ गोइंग टू बी योर न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड 150, डिनोमिनेटर में आपकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तीनों. तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लाइक 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 325 प्लस 250 once you do and उसका परसेंटेज आप निकालोगे तो यू विल योर आंसर फॉर क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन पेंटिंग फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर. तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जस्ट फॉर पेंटिंग दे आर आस्किंग. ये तो बहुत आसान है, पेंटिंग मीन्स द फर्स्ट चार्ट. और आपने क्वेश्चन नंबर 3 के टाइम पे ऑलरेडी ये कैलकुलेशन किया होगा, तो यू शुड बी हैविंग नंबर या फर्स्ट बार का नंबर टोटल कर लो, गेट योर आंसर एब्सोल्यूटली फॉर दिस. Right, that's all from my side for data interpretation. I don't think it was that difficult to understand. Just your presence of mind and aap kitna fast calculation us pe depend karega, right? So thank you so much for watching. Agar aapko video acha laga hai, please give this video a thumbs up and subscribe for more such content. Thank you so much. Bye bye.